हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Hyundai की तरफ से आने वाली उनकी सबसे छोटी SUV जो है Hyundai की Exter। ये कम्पीट करती है डायरेक्टली टाटा की पंच से। वो उनकी माइक्रो SUV है, इनकी माइक्रो SUV है, तो डायरेक्ट इनका कॉम्पिटिशन रहता है कि कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी आपके लिए। वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, किस में ज़्यादा सेफ्टी है, कौन सी गाड़ी अच्छी दिखती है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। तो आज जो हम वेरियंट देखने वाले हैं ना, वो है इसका टॉप एंड वेरिएंट SXO। इसे आप सेकेंड टॉप भी कह सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके ऊपर एक वेरिएंट आता है जो है SXO कनेक्ट वेरिएंट, जिसमें सिर्फ आपको एक डैश कैम और ब्लू लिंक के फीचर्स मिलते हैं। बाकी की सब गाड़ी वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अगर आप डैश कैम नहीं चाहते और ब्लू लिंक का फीचर का आपको कुछ करना नहीं है, तो आप इसे ही देख लीजिए। ये है इसका SXO वेरिएंट, इसे भी आप टॉप एंड वेरिएंट कह सकते हैं। तो आज हम देखने वाले इसके फीचर्स, आपको इसमें क्या फीचर्स आते हैं क्या नहीं, तो आज हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये ब्लू कलर भी काफ़ी इसका यूनिक है, इसी गाड़ी के साथ लॉन्च हुआ है, कि बाकी किसी भी Hyundai की गाड़ी में आपको ये कलर नहीं दिखेगा। अगर हम Exter की इंजन की अगर बात करते हैं, तो सेम 1.2 लीटर का VVT इंजन आता है, जो आपको i20, i10 Nios या Aura में दिखेगा। सेम इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है ये, आपको निकाल के देगा अराउंड 83 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये प्रॉपर एक 4 सिलेंडर इंजन है, अनलाइक टाटा पंच का जिसमें आपको 3 सिलेंडर मिलता है। और इसमें जो माइलेज है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, करीबन आप इसमें आराम से 18-19 की माइलेज मिक्स, मैं बात कर रहा हूँ मैं हाईवे प्लस सिटी का, आप आराम से निकाल सकते हैं। और CNG में अगर आप लेते हैं, तो उसमें 67 BHP होता है, और उसमें आप माइलेज आराम से 25 प्लस की निकाल सकते हो। तो यही सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो इंजन है वो टाटा पंच से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर बात करते हैं हम प्राइसिंग की, तो ये है SXO पेट्रोल मैनुअल वेरियंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैनुअल वेरियंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें आप 5 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको 50,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पे ये इसकी प्राइस है करीबन 9.25 लाख की एक्स शोरूम, जो ऑन रोड मुंबई में करीबन 10.5 से 11.5 लाख की पड़ती है। वो आपको डिपेंड करता है, आप इंश्योरेंस और वो रोड टैक्स वो थोड़ा कैसे फ्लक्चुएट होता रहता है ना, उतना आप पकड़ के चलिए। जो एक भी एग्जैक्ट प्राइस होगी ना, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियमनेस इधर से ही चालू होती है, जहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिलती है, जहाँ पे आपको प्रीमियम बटन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक, और अगर आप होल्ड करते हैं तो इसका जो बूट है वो आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपको बूट अनलॉक करना हो। तो फ्रंट से अगर आप देखते हैं ना, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक्स है इसके, फ्रंट से डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनाई इन लोगों ने, काफ़ी फैमिली लुक देने की कोशिश की है इस गाड़ी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Hyundai का लोगो है वो अब क्रोम में ना कैसे मैट फिनिश में आता है। Exter की बैजिंग आपको आगे भी दी गई है, जो किसी भी दूसरी Hyundai की SUV में नहीं आती। अगर आप इसके DRLs देखते हैं, तो काफ़ी यूनिक है, एच शेप में यहाँ पे आपको इसके DRLs दिए गए हैं, काफ़ी डिस्टिंक्टिव लुक्स है। और यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं इसकी इंडिकेटर आपको इसी के पीछे दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिए गए हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो काफ़ी अच्छा थ्रो देते हैं। और यहाँ पे आपको मिल रही ऐसी कुछ डिज़ाइन जो काफ़ी यूनिक है इसी गाड़ी को, SUV जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं लुक्स भी देने की कोशिश करी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए, तो 185 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज़ मोर देन इनफ, मतलब इस साइज़ की गाड़ी के लिए। और ये जो गाड़ी है ना, ये बेस्ड है i10 और Aura की प्लेटफॉर्म पे ही, इसलिए अगर आप इसका इंटीरियर देखोगे ना, तो सेम आपको उसी की ही याद दिलाएगी कि i10 और जो Aura है, मतलब i10 Nios और Aura है, उसी जैसा ही यहाँ पर आपको इसका इंटीरियर दिखेगा। जो ORVMs है वो लॉक अनलॉक करने पर फोल्ड भी हो जाते हैं। यहाँ पे आपको SUV लुक देने के लिए काफ़ी अच्छी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लैडिंग दी गई है, रूफ रेल्स दिए गए हैं, शार्क फिन एंटीना है वहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सनरूफ जो सिंगल पेन है। और आप अगर आप इसकी व्हील्स देखते हैं, तो वो आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो आपको SXO वेरियंट में ही दिए जाते हैं। SX में आपको व्हील कैप्स आते हैं, SXO और SXO कनेक्ट दो ऐसे वेरियंट्स आते हैं जिसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो ये है 175/60 5R 15 इंचेस की यहाँ पे आपको व्हील्स दिए गए हैं, और आगे आपको डिस्क ब्रेक और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात कहूँ सेफ्टी के मामले में, इस गाड़ी में आपको कौन सा भी वेरिएंट ले, आप 6 लाख का बेस वेरिएंट लो या टॉप मॉडल लो 10 लाख का, तो यहाँ पे आपको 6 के 6 एयरबैग्स आपको बेस मॉडल से ही दिए जाते हैं। तो बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे
6 एयरबैग्स इस गाड़ी में मिलते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थम्स अप। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक रिक्वेस्ट सेंसर, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम डोर हैंडल्स आपको इस टॉप एंड वेरिएंट में नहीं मिलते, पर आपको यहाँ पे क्रोम रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है जो सिर्फ आपको ड्राइवर की साइड पे मिलता है। अगर आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर ऑल ब्लैक, आपको यहाँ पे इसका इंटीरियर मिलता है, आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक इंटीरियर्स है। और पीछे की स्पेस की अगर बात करूँ तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना तो स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा है, ये सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप i10 नियोस या ऑरा देख रहे हैं तो एक बार इसी गाड़ी को भी देख लीजिए, आपको काफ़ी पसंद आएगी। हेडरूम तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए अफार मिलेगा, यहाँ पे देखिए कितना आपको यहाँ पे इसका हेडरूम दिया जाता है। हेडरूम के मामले में इस गाड़ी को कोई बीट नहीं कर सकता। पीछे आपको यहाँ पे एसी वेंट्स दिए जाते हैं, नीचे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, वो है 12V का चार्जिंग सॉकेट। डोर में अगर आप देखते हैं तो फुल ब्लैक कलर का ही डोर है और 1 लीटर की बोतल आप आराम से इसमें रख सकते हैं। स्पीकर्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं और सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर 3-पॉइंटर सीट बेल्ट है और आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं ना कि 3, तो विच इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग कि यहाँ पे आपको प्रॉपर 3-पॉइंटर सीट बेल्ट है पर यहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट नहीं दिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पीछे जाके तो पीछे के डिज़ाइन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पूरी की पूरी रियर डिज़ाइन कुछ ऐसे दिखती है। ये थोड़ी जो रियर डिज़ाइन है वो थोड़ी पोलराइजिंग है, थोड़े लोगों को काफ़ी पसंद आती है, थोड़े को नहीं आती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी एक यूनिक सी डिज़ाइन यहाँ पे आपको देने की कोशिश करी है। शार्क फिन एंटीना आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको टॉप एंड वेरिएंट है तो वाइपर वॉशर दोनों आपको यहाँ पे दिए गए हैं, डिफॉगर्स है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है। एच शेप का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो पीछे भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू करा गया है। एसिक्स की बैजिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इंडिकेटर्स और जो रिवर्स कैमरा है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है, रिवर्स कैमरा भी आपको यहाँ पे मिलता है। 2 पार्किंग सेंसर्स है और यहाँ पे आपको काफ़ी SUV जैसी लुक भी देने की कोशिश करी गई है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो वो आपको वेन्यू से भी ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, तो 391 लीटर्स का यहाँ पे आपको बूट स्पेस है विथ पार्शियल शेल्फ भी आपको यहाँ पे मिलती है। और जो स्पेयर टायर है वो भी नहीं, स्पेयर टायर आपको एक साइज़ कम मिलता है, ये 14 इंच का रिम है और वो अलॉय भी नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 एयरबैग्स आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी आगे की फीचर्स के बारे में और देखते हैं क्या इसमें आपको दिया जाता है। तो जैसे ही आप डोर ओपन करोगे तो आप देखोगे फुल ब्लैक कलर की इंटीरियर्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ऐसे नहीं मिलता, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बेज कलर का या ब्राउन कलर का फिशिश कलर नहीं मिलता। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है आगे सरप्राइजिंगली, एडजस्टेबल हाइट एडजस्टेबल सीट ज़रूर है, तो वो एक अच्छी बात है कि हाइट एडजस्टेबल सीट आपको अच्छी खासी दी गई है। ये इसका हम मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हैं और इसमें भी आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। अगर हम देखते हैं अंदर बैठ के तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं और हम देख सकते हैं इसका पूरा स्टार्टअप एनिमेशन कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा इंटीरियर ब्लैक कलर का पूरा है इसमें, तो थोड़ा डार्क फील आपको ज़रूर देगा। अगर बात करते हैं फीचर्स की तो फीचर्स तो भर भर के इस गाड़ी में, मतलब जितने फीचर्स उतने कम ही हैं। ऑल 4 पावर विंडोज़, ORVM की सभी कंट्रोल जैसे एडजस्ट करने के लिए सब कुछ दे दिए हैं। स्टेयरिंग व्हील पे आते हैं पहले, तो यहाँ पे आपको क्या है कि क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है सब बटन से इसकी इन्फोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर वाइपर को ऑपरेट करने का स्टॉक भी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इस स्क्रीन की तो सेफ्टी के बारे में बात कर रहा था कि 6 एयरबैग्स आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें पिलर में 2, सीट्स में 2 और आगे ऐसे 2, 6 एयरबैग्स आपको इसके बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना तो इसमें आपको TPMS भी दिया गया है, तो आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, तो आपको अलग से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि TPMS एक काफ़ी बड़ा सेफ्टी फीचर है। डी कट वाला स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। और इसके एडजस्टमेंट की अगर बात करें, स्टेयरिंग व्हील जो है वो सिर्फ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते, सिर्फ हाइट का आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है।
अगर हम बात करते हैं इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो वो है नॉर्मल साइज़ की है, ये अराउंड 8 इंचेस की आती है और ये काफ़ी बेसिक काम तो कर देती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, तो इसमें आपको DRVM आप देख सकते हैं। अभी ये तो दिखाता हूँ मैं आपको बाद में कैसा फीड है इसका, प्रोजेक्शन सब कुछ है, चलने में अच्छा है, पर ब्लू लिंक के फीचर्स इसमें मिसिंग है, तो ब्लू लिंक इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता। उसके लिए आई गेस आपको 60 to 70,000 एक्स्ट्रा देके ब्लू लिंक वाला वेरियंट लेना पड़ेगा, वो है SXO कनेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके AC वेंट्स दिए गए, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन की है। और जो एंड्रॉयड टू एप्पल कारप्ले है, आपको इस गाड़ी में USB केबल का ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये पॉज करके कि कारप्ले वायर अप्रूव्ड USB केबल, तो आपको वायरलेस एंड्रॉयड टू एप्पल कारप्ले इसमें नहीं दिया गया है। AC यहाँ पे आपको ऑटो फंक्शन के साथ ही दिया गया है। और चार्जिंग की यहाँ पे आप देख सकते हैं भरपूर ऑप्शंस है, जैसे कि Type-C, फिर ये 12V का चार्जिंग सॉकेट, USB और ये वायरलेस पैड आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है वायरलेस चार्जिंग के लिए। ये इसका 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो आप 5-speed का AMT ट्रांसमिशन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पैडल शिफ्टर्स दिए जाएंगे अगर आप AMT लेते हैं तो। दो कप होल्डर्स है दोनों अलग साइज़ की, इसकी मैनुअल हैंडब्रेक, कोई हैंडरेस्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। की रखने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है अच्छा खासा। ग्लव बॉक्स का भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ये है। ये सेम आपको Itanios और Aura में भी दिया गया है, सिर्फ ये ब्राउन कलर और बेज कलर का आता है उसमें। यहाँ पे आपको स्पेस है फ़ोन रखने के लिए, नीचे आप ग्लव बॉक्स देख सकते हैं जिसमें आपको AC के वेंट्स भी दिए गए, मतलब चिल्ड ग्लव बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, वो आप देख सकते हैं। आपकी जो ड्रिंक्स है वो आप अगर रखते हैं तो वो भी ठंडी रहेंगी। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डे नाइट वाला IRVM, ये ऑटोमेटिक के साथ नहीं आता, ऑटो क्रोमिक वाला। और यहाँ पे आपको लाइट्स मिलेंगी जो हैलोजन में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सनरूफ जो कुछ इतनी खुलती है, तो आप देख सकते हैं इतनी कुछ इसकी सनरूफ ओपन होती है। आप भी इसके प्रॉपर साइज देख सकते हो, वेन्यू में भी कुछ इतनी ही आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका माइक जो आपको कॉल्स के लिए यूज़ होगी। यहाँ पे आपको दिया गया है मिरर, यहाँ पे आपको मिलता है टिकट होल्डर, तो दोनों सनवाइजर पे आपको मिरर या अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलते। एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जिस भी कलर के आप गाड़ी लोगे तो उसी कलर का यहाँ पे आपको AC वेंट का डिज़ाइन भी दी गई है, विच इज़ अ वेरी क्लेवर टच। अगर बात करें स्पेस की, तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। और एक मैंने फीचर क्या एक छोटी सी बात देखी कि जिस भी कलर की गाड़ी है वाकई आपको स्टिचिंग भी यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपको सेमी लेदराइट सीट्स दी गई है। ये पार्ट लेदर है, आगे से फैब्रिक है, तो आप देखिए कितनी मतलब काफ़ी अटेंशन टू डिटेल काफ़ी अच्छा दिया गया है। आपको मैं रिवर्स इसका फीड दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसी है रिवर्स फीड, आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर है। तो वो एक अच्छी बात है कि इनका जो रिवर्स फीड का कैमरा है वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी का रहता है। और अगर आपको चाहिए इसका टॉप एंड वेरियंट जो आता है SXO कनेक्ट वेरिएंट, उसमें सिर्फ आपको ये लिए एक डैश कैम ऐड हो जाएगा और उसमें आपको ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे, तो वही फ़र्क है सिर्फ, नहीं तो ये भी प्रॉपर टॉप मॉडल ही है अपार्ट फ्रॉम ब्लू लिंक फीचर्स। तो यही थी इसकी वीडियो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।